हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, येट अनदर क्रिंजी वीडियो जहां पर आपको मैं तीन अलग अलग कंटेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक मिनी फ्रेंच सीरीज लुपिन की, जो कि आज ऑफिशियली हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। ये एक ऐसे चोर की कहानी जिसके पास में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिस वजह से ये प्रेजेंट में एक ऐसी बड़ी रॉबरी करता है, और फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये जानने के लिए आपको लुपिन देखनी पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर आपको इस तरह की शोज देखना पसंद है जहाँ पर हमें एक ऐसा थीफ बताए जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो भाई ये शो देखो, मज़ा आ जाएगा, जिसका नाम है लुपिन। खैर, अब हम लोग बात करेंगे कलयुग, रामयुग। कलयुग तो अभी चल रहा है, रामयुग जो कि एक MX ओरिजिनल सीरीज़ है जिसे डायरेक्ट किया कुणाल कोहली ने। हालांकि ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि इसको बनाया है एकता कपूर ने, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि यार रामायण का लाइव एडेप्टेशन हमें देखने को मिलेगा, इस पर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स मूवी बनाने से 10 बार सोचते हैं, तो यार कुणाल कोहली ने इसकी वेब सीरीज़ बनाई तो आखिर बनाई कैसे। और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं समझ गया भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो यार जो जय श्री राम वाले जो हमारे बंदे हैं उनसे आप लोग मांग लेते, कसम से तुम लोग को इतना चंदा देते कि तुम लोग एक बड़े स्केल में इस पर्टिकुलर शो को बना सकते थे। लेकिन ट्रेलर देखकर इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ना इसका VFX अच्छा है, ना सेट्स अच्छे हैं, ना एक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं, ना ही एक्टर्स अच्छे हैं, ना ही डायरेक्शन अच्छा लग रहा है। और यार आप हेयर स्टाइल देखो बंद हो गया, ऐसा लगता है कि यार उस वक्त भी हकीम अली, क्या पता नहीं उस टकले का नाम क्या, वही है ना, वो था क्या हेयर स्टाइलिस्ट, मतलब यार कुछ तो रिसर्च करके बनाते। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस सिचुएशन का एडवांटेज उठा लिया कि पता है कि आजकल जो रिलीजियस मैटर बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म चल रहा है, और इस पर एक मस्त अपनी तरफ से शो बना दो ताकि अच्छा खासा लोग देखें। लेकिन एटलीस्ट आप देखने लायक तो बनाओ यार। इससे पहले लेजेंड ऑफ हनुमान, मैं नाम तो सही ले रहा हूँ ना, मैंने रिव्यू किया था, एक एनिमेशन सीरीज़ थी। क्या सीरीज़ बनाए थे यार, क्या डिटेलिंग दी, क्या VFX था, क्या स्क्रीन प्ले था, मज़ा आ गया था देखने के लिए। तो लोगों की आस्था से खिलवाड़ मत करो, बस इसीलिए मत बनाओ कि लोग अभी ये सारी चीज़ों को देखेंगे या लोग करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई थी, काफ़ी सालों पहले बनाई थी, जब साल हम तो पैदा भी नहीं होते, तो उस वक्त इतनी अच्छे से, इतनी डिटेलिंग में, इतने ग्रैंड लेवल में उन्होंने पेश की थी कि आज भी देखो तो मज़ा आ जाता है और उस एटमॉस्फेयर में खो जाते हो। लेकिन यहाँ पर इस शो को देखकर ऐसा लगता है कि एकता कपूर ने बनाई है, और ये कोई एकता कपूर का टेलीविजन शो है जो हम लोग MX प्लेयर पर देखने वाले, तो यार टोटली डिसअपॉइंटिंग। अब बाकी जो मेरे हिंदू भाई, उनको जो भी बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। खैर, आप हम लोग बात करेंगे स्वीट टूथ, जो कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ है। इसे प्रोड्यूस किया है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, AKA आयरन मैन। और शॉकिंग बात यह है कि यार रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने पैसे कमाए मार्वल से और इन्वेस्ट करे DC में, कमाल की बात है। जो इस शो का कॉन्सेप्ट है वो है DC कॉमिक्स का लाइव एडेप्टेशन है, वर्टिगो इम्प्रिंट। मैंने वो कॉमिक नहीं पढ़ी है। क्या कहानी शो में कुछ यूँ होने वाली है, पोस्ट एपोकैलिप्टिस के बाद जो इंसान, जो ह्यूमन सर्वाइव कर लिए, तो उसमें से कुछ प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे बच्चे पैदा हुए जो हाइब्रिड है, यानी कि वो हाफ ह्यूमन है और हाफ एनिमल है। तो उसी में से एक स्पेशल बच्चा है, डियर बॉय गस, जिसको प्यार से स्वीट टूथ भी बुलाते हैं। अब जैसे ही गस बॉर्न होता है, उसके फादर को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सबसे अलग है, तो इसलिए वो अपने बेटे को दुनिया से छुपा के अपने साथ रखते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब गस के फादर, यानी कि स्वीट टूथ के फादर की डेथ हो जाती है। अब उसके फादर के डेथ होने के बाद कैसे स्वीट टूथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पर निकलता है, जहाँ पर उसको अपना खुद का एक ओरिजिन भी ढूंढना, ससर रैपर्ट नाम का शख्स है जो उसके फादर के डेथ होने के बाद उसको मिलता है, तो उस बंदे के पास्ट के बारे में भी जानना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एडवेंचरस चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो देखकर मज़ा आ गया, VFX बहुत अच्छे लगे, और अलग अलग आपको एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली पोस्ट एपोकैलिप्टिस के बाद अर्थ पर रहने वाले लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे, किस तरह से रह रहे, फिर उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, फिर कैसे हाइब्रिड्स जो लोग हैं अब उनको, जो नॉर्मल ह्यूमंस है वो लोग इनके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे, इनको देखकर डर रहे हैं या इनको मार रहे हैं या इनके साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आपको ये पर्टिकुलर शो में देखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। ये 4 जून में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा, और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो इसमें आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर से कम ही हो गए, और ये हिंदी में रिलीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, और उनको पता है कि जो इंडियन ऑडियंस है वो उनके नाम से ही ये पर्टिकुलर शो को देखेंगे। और दूसरा, इसी कॉमिक का एक लाइव एडेप्टेशन है, तो ऑब्वियसली इंडियन फैंस तो देखना चाहेंगे ही, तो इसको हिंदी में रिलीज होने के 99% चांसेस है। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।